मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को क्लिक कीजिए। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आज की डिज़ाइन बेबी शावर की डिज़ाइन से रिलेटेड है, जिसमें मैं बना रही हूँ एक बेबी बॉय और एक बेबी गर्ल। ये डिज़ाइन मैं जब बना रही थी तो वहाँ पे लाइट गई हुई थी, और ये मैं अपने कस्टमर को लगा रही हूँ, जिसके बैक हैंड में मैंने एक बेबी बॉय बनाया है और एक बेबी गर्ल बनाया है। मैं जो अभी ड्रॉ कर रही हूँ, ये बेबी बॉय ड्रॉ कर रही हूँ, तो इसे आप एंड तक अच्छे से देखना कि मैंने इसे कैसे ड्रॉ किया है। इसे ड्रॉ करने से पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि आपको इसकी शुरुआत कहाँ से करनी है। आप कोई भी फिगर का डिज़ाइन बनाते हैं तो आपको उसका शुरुआत कहाँ से करना है वो अच्छे से समझना होगा। अगर आप उसका बेस नहीं समझ पाते हैं तो आपको वो थोड़ा ड्रॉ करने में प्रॉब्लम हो सकता है। बिगनर्स के लिए ये चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट होती है कि वो अपना डिज़ाइन पहले से ही प्रिपेयर करके जाए। जैसे कोई फिगर होता है तो वो एकदम बनाना पॉसिबल नहीं हो पाता है। मैंने इस फिगर की काफ़ी बार प्रैक्टिस कर रखी है। मेरी काफ़ी बेबी शावर डिज़ाइन जो मैंने लगाई है अभी तक, उसमें मैंने काफ़ी बार ये डिज़ाइन यूज़ किया है, तो ये मेरे लिए काफ़ी ईजी हो जाता है बनाना, तो मैं इसको बहुत आराम से बना लेती हूँ। वैसे आज की ये वीडियो मैं बिना वॉइस के डालने वाली थी, बिकॉज़ मुझे नहीं समझ आ रहा था कि मैं आपको क्या बताऊं और इसे कैसे समझाऊं। इसे समझाने का कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि इसका स्टार्टअप सबका डिफरेंट होता है कि वो कैसे स्टार्ट करते हैं एक फिगर को। जैसे मेरा स्टार्टअप होता है फेस मेरा सबसे मेन होता है कि मैं फेस को अच्छे से ड्रॉ करूँ। फेस अगर अच्छे से ड्रॉ होगा तो शायद फिगर का डिज़ाइन प्रॉपर अच्छा बनेगा। पर किसी किसी का ऐसा नहीं होता है। कोई कोई ऐसा होता है जिनको बॉडी शेप प्रॉपर ड्रॉ करना होता है, उसके बाद वो फेस ड्रॉ कर पाते हैं। तो वो टोटली आपके ऊपर है कि आप कैसे उसको स्टार्ट कर सकते हो और आपको क्या चीज़ परफेक्ट लगती है कि नहीं, मेरे को ये चीज़ बनानी है, उसके बाद मैं इसको परफेक्ट बना पाऊँगी। और ये चीज़ सिर्फ आप खुद समझ सकते हैं कि आपको क्या चीज़ सही लग रही है और आप क्या चीज़ पहले बनाएंगे तो आप ये चीज़ परफेक्ट बना पाएंगे। अब अगर आप बिगनर्स हैं तो आपको थोड़ा सा डर लगता होगा कि ये डिज़ाइन मुझसे नहीं बनेगी, ये मैं नहीं बना पाती हूँ, या मैं ये नहीं बना पाऊँगी। तो ऐसा सिर्फ आपका डर है। डर अगर रहेगा तो आप ये डिज़ाइन नहीं बना पाओगे, वाकई ही नहीं बना पाओगे। अगर ये बनाना चाहते हो तो आपको ये डर निकालना पड़ेगा कि नहीं, मेरे को ये करना है, मैं ये कर सकती हूँ। अगर आप किसी को लगाने जा रहे हो तो आप उसकी पहले से प्रैक्टिस कर सकते हो। आपके पास काफ़ी अच्छा टाइम होता है उसके पहले प्रैक्टिस करने का। आप उनसे मांग लीजिए पहले से ही डिज़ाइन कि आपको कैसी डिज़ाइन लगानी है, आप मुझे शेयर कर दीजिए, मैं उसकी प्रैक्टिस कर लूँगी। आप उनसे फ्रीडमली कह सकते हैं कि मैं एक बार उसको प्रिपेयर कर लेती हूँ, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो या आपको वो चीज़ और अच्छी मिले। आप उनसे ये नहीं भी कहना चाहते तो आप उनसे नॉर्मल वे में भी आप उनसे कह सकते हैं कि आपको जैसी डिज़ाइन लगवानी है आप मुझे शेयर कर दीजिए। वो डिज़ाइन आपके पास आने के बाद आप आराम से उसकी प्रैक्टिस कर सकते हो, और बहुत ईजी होता है उसके बाद आपको वहाँ जाके ये डिज़ाइन लगाना। जैसे मैंने बेबी बॉय की डिज़ाइन बनाई, और अब मैं जो बनाने वाली हूँ वो बेबी गर्ल की डिज़ाइन है, तो ये मैंने बहुत ईजीली लगा ली बिना कुछ सोचे, बिकॉज मेरी इसकी प्रैक्टिस काफ़ी अच्छी थी। और ये चीज़ आप भी बहुत अच्छे से जानते हैं कि मेहंदी में प्रैक्टिस ही आपको परफेक्ट बनाएगी। आई होप आपके लिए सारी बातें काफ़ी हेल्पफुल रहेगी, तो इसे ज़रूर फॉलो करें और मेहंदी में परफेक्ट बनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो की नोटिफिकेशन को ऑन कर ले। मैं अपनी पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं आपके साथ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर कर पाऊँ, और इतना मुझे टाइम कम मिल पाता है कि मैं पर्सनली आपके लिए वीडियो रिकॉर्ड कर पाऊँ, बिकॉज अभी सीज़न वगैरह भी चल रही है, ऑर्डर्स वगैरह रहते हैं तो नहीं पॉसिबल हो पाता है। तो मैं कोशिश बिल्कुल नहीं छोड़ती हूँ, मैं आपके लिए ये चीज़ करने की पूरी कोशिश करती हूँ, और मेरे को जहाँ जहाँ मौका मिलता है मैं आपके लिए वीडियो रिकॉर्ड कर लेती हूँ। बस वैसे ही मैंने यहाँ पे भी आपके लिए रिकॉर्डिंग कर ली, क्योंकि यहाँ पे लाइटें गई हुई थी और टॉर्च भी मेरे को हाथ में पकड़नी पड़ रही थी, तो मैंने सोचा अपने फ़ोन की ही लाइट ऑन करके वीडियो भी रिकॉर्ड कर ली जाए और मेहंदी भी बना दी जाए और आपके साथ शेयर भी कर दिया जाए। तो मैंने बस यही चीज़ की और आपके लिए फटाफट रिकॉर्ड कर लिया, और आपके साथ शेयर भी मैंने बहुत जल्दी ही कर दिया। अभी अभी मैंने ये डिज़ाइन लगाई है और ये डिज़ाइन बिल्कुल लेटेस्ट है, तो आप जल्दी से इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ताकि जब भी आपको ये डिज़ाइन लगाने का मौका मिले आप इजीली लगा पाओ, आपको कोई ऐसी दिक्कत ना हो और फिगर का डिज़ाइन भी बहुत सुंदर बने। तो इसके लिए प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय। देखिए मैंने ये डिज़ाइन कैसे लगाई है, और आप भी इसे ट्राई कीजिए।
हूँ।